फ़लस्तीन या यूक्रेन या चाहे इसराइल में आ, मासूम बच्चे और लोग जो आ, आ, मर रहे हैं उनके लिए जो पुरान एहतजाज होता है कि हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं हाँ बिल्कुल ले सकते हैं लेकिन बज दफ़ा यह होता है कि जो एहत ऑर्गेनाइज़ करने वाले होते हैं ना वो बाद दफ़ा फनीटिक किस्म के लोग होते हैं जिस एह पुराना एहतजाज को शदत पसंदी में बदल देते हैं तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं आप यहाँ एहत कर रहे हैं उनके लिए और एहतजाज करते करते अपने मुल्क की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लग जाएं सड़कों के पोल तोड़ने लग जाएं लाइटें तोड़ने लग जाएं या बोर्ड तोड़ने लग जाएं या आगे लगाने लग जाएं ये चीज़ें गलत हैं वो नहीं होना चाहिए अगर पूर्म एहत है उसके हक़ में बोर्ड उठा के वो कर सकते हैं अब उसमें हिस्सा लेने में कोई हर्ज नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बी एम डी जो हैं यहाँ मुख्तल मुल्कों की जो एम्बेसीज हैं उनके अम्बेसडर को सफ़ीरों को खत भी लिखें अपने सियासतदानों को भी ख़त लिखें कि फ़लस्तीन के लिए या मजलूमों के लिए जो दुनिया में जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए और अपना रसल रसूख इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी ये ख्वाहिश है कि दुनिया में अमन क़ायम हो तो ये पैगाम अगर हर आमदी की तरफ से चला जाए तो सियासतदानों को भी अपने अपने हल्के के और एम्बेसडर्स को भी तो इसका भी अच्छा असर पड़ेगा और ये भी खामोश एहतजाज का एक हिस्सा ही है